इस क्यूब को हमें मूव करवाना है। मूव क्यूब, मूव अराउंड, जावास्क्रिप्ट नहीं सी शार्प, क्रिएट एंड ऐड। मूवमेंट, मूवमेंट की क्यूब एक हमने ऐड कर दी, इसको हम ओपन करेंगे। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाएंगे। मैंने स्फीयर भी ले लिया, मैंने स्फीयर भी ले लिया, एक कैप्सूल भी ले लिया, इसको भी मूव करवाएंगे। ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे रिजिड बॉडी ऐड करनी पड़ेगी, सब पे इस पर भी रिजिड बॉडी ऐड करनी है। और क्यूब पे भी रिजिड बॉडी ऐड करनी है। हमारी स्क्रिप्ट खुल गई है, मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट, ये हमारी स्क्रिप्ट है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक रोड मूव हॉरिजॉन्टल। दूसरा वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक रोड मूव वर्टिकल। एक ऑब्जेक्ट हम स्पीड के लिए ले लेंगे, और एक ऑब्जेक्ट हम रिजिड बॉडी को गेट करने के लिए लेंगे। अब रिजिड, अब स्पीड को मैं अपनी, जैसे ही मेरा गेम स्टार्ट हो मेरी स्पीड इनिशियलाइज हो जाए 0.5 F। F लगाना ज़रूरी है फ्लोट में, और मैं रिजिड बॉडी गेट करवाऊँगा गेट कंपोनेंट के मेथड से। इसके अंदर आ जाएगी रिजिड बॉडी, यहाँ से हमारी रिजिड बॉडी गेट हो गई और स्पीड आ गई। अब मुझे इसको मूव करवाना है। मूव एज में मैं यहाँ पे दूंगा इनपुट डॉट गेट एक्सिस, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, और मूव वर्टिकल में मैं इनपुट डॉट गेट एक्सिस, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वर्टिकल। मूव एच हो गया, मूव हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसमें मुझे ये अप्लाई करना है वेक्टर थ्री पे। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन मोमेंट के लिए जो भी लेते हैं हम, प्लस इक्वल टू न्यू वेक्टर थ्री, न्यू वेक्टर थ्री, इसके अंदर मैं दे देता हूँ मूव एच हॉरिजॉन्टल पे, और 0.0 F, और वर्टिकल पे मैं दे देता हूँ मूव वर्टिकल। जेड एक्सिस पे ये मूव करें। अब ये मैं अप्लाई करता हूँ क्यूब के ऊपर, तो इस पे मुझे रिजिड एड फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मूव हो जाएगा। चेक करते हैं, ये
ये मेरा आसानी के साथ मूव हो रहा है। इस पर रिजिड बॉडी भी अप्लाई करी हुई है, लेकिन इस पर रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं हो रही, ऐड करी हुई है, रिजिड बॉडी इस पर अप्लाई नहीं हो रही, फोर्स ऐड नहीं हो रही। अब यही चीज़ मैं यहाँ से हटा के कैप्सोल के ऊपर मैं स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ मूवमेंट की। तो ये मूवमेंट इस पर भी हो रही है, आराम से मूव कर रहा है, लेकिन अब मैं ये स्पेयर के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मसला आएगा। वो ये होगा कि मूव तो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं स्पेयर रोटेट नहीं हो रहा, ये आगे और पीछे तो मूव कर रहा है। अब मुझे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फोर्स अप्लाई करने के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फोर्स अप्लाई करने के लिए मैं वेक्टर 3 का ऑब्जेक्ट लूँगा, न्यू वेक्टर 3, और यही सब कुछ मैं इस पर कॉपी, यही वैल्यूज मैं इस पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इस पर रिजिड बॉडी की फोर्स अप्लाई करता हूँ, रिजिड बॉडी अप्लाई करता हूँ ताकि ये रोटेट हो। रिजिड बॉडी अप्लाई करता हूँ वेक्टर, और ताकि ये स्मूथली चले मैं इस पर स्पीड की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जो कि ये आप देख सकते हैं मैं अपनी जितनी स्पीड बढ़ाऊंगा ना मेरा स्पेयर चलेगा। इसमें ग्रेविटी लगी हुई है, मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये उतना ही फास्ट चलेगा, और देखें ये रोटेट भी कर रहा है क्योंकि मैंने इस पर रिजिड बॉडी की फोर्स अप्लाई करी है, रिजिड बॉडी अप्लाई करी है वहाँ से गेट कर रहा है, बाकी कंपोनेंट्स में मैंने रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं करी है। यही काम मुझे इनपुट डॉट गेट एक्सिस से करने से आसान लगता है। यही काम हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से भी करवा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से भी ये काम हो जाता है। उसमें वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड करना पड़ता है और वेक्टर 3 डॉट अप करना पड़ता है, और ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से भी ये काम हो जाता है। यहाँ पे हम वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड दे देंगे, ये आगे मूव करेगा, और अगर इसको रोटेट करवाना है तो ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट से भी ये काम हो जाता है। यहाँ पे हम इसको गेट, यहाँ पे हम इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करवा सकते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कोई भी वैल्यू देके वाई एक्सिस पे इसको रोटेट करवा सकते हैं। ये हमारी वीडियो थी मूवमेंट की।